हेलो बेटा। हमने बेटा जी अपना सिस्टम पढ़ना शुरू किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहाँ पे बेटा जी हमने मेल को तो बहुत पहले खत्म कर लिया था। एंड आज जो आपने लगातार 3 वीडियो देखे उनमें आपने बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन उसके बाद बेटा जी आपने फर्टिलाइजेशन को पढ़ा, और आपने लास्ट वीडियो में बेटा जी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज में आपने बातें की कि हाउ द एम्ब्रियो गेट डेवलप। उसमें आपने बेटा जी बातें की थी, एक मिनट बेटा जी, आपने वहाँ पे बातें की है कि एक एम्ब्रियो जब डेवलप होना शुरू होता है तो जाइगोट के अंदर सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है क्लीवेज, जो वहाँ पे बनता है 2 सेल स्ट्रक्चर, फिर 4, फिर 8, फिर 16, और एक नाम हमने दिया बेटा जी वहाँ पे मोरूला, जो कि मलबरी के जैसा था। फिर हमने नाम दिया बेटा जी यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें केविटी बन गई थी ब्लास्टोसीट, इनर सेल मास ट्रोपोब्लास्ट। फिर हमने कहा गैस्ट्रुला, जहाँ पे 3 जर्म लेयर बन गए बेटा जी। एज यू ऑल नो हम ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब हमें 3 जर्म लेयर बनती है, एक्टोमीजन एंडोड्रम, जिससे हमारे पूरे बॉडी फिर डेवलप होती है। फिर हमने बातें की थी आपसे पॉस्चराइजेशन की, जहाँ पे आपने वर्ड बोला कि वहाँ पे हमारे 2 हॉर्मोन्स है जो हेल्प करते हैं, और उसमें आपने नाम लिखा था बेटा जी यहाँ पे कि ऑक्सीटोसिन, और आपने कहा बेटा जी वहाँ पे आपका रिलैक्सिंग हॉर्मोन हेल्प करता है। अब कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर हमारी बॉडी को पता कैसे लगता है कि पॉस्चराइजेशन होने वाला है? तो एक वर्ड मैं आपको और समझा देता हूँ, और वर्ड क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। आप ये वर्ड लिख सकते हो बेटा जी पॉस्चराइजेशन के अंदर। जैसे ही बच्चा फुली डेवलप हो जाता है तो बेटा जी प्लेसेंटा और फुली डेवलप फीटस एक सिग्नल रिलीज करता है। वो सिग्नल क्या होता है बेटा, तुम्हें लाइन बोलूंगा बेटा जी, फ्रॉम प्लेसेंटा एंड फुली डेवलप, fully developed fetus, a signal is given to mother pituitary gland, so that mother के pituitary gland से बेटा जी oxytocin hormone release होना शुरू हो जाए, और वो ऑक्सीटोसिन अगर रिलीज होता है तो वो माँ के यूट्रस की मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ताकि बच्चा नीचे की साइड में क्या हो जाए बेटा जी, पुश हो जाए। अब नीचे बच्चा आएगा तो आपको प्लेसेंटा से निकलेगा रिलैक्सिंग हार्मोन, जो पेल्विक गर्ल को रिलैक्स कर देगा, ताकि बच्चे का इजिली वहां से पासिंग हो सके। ये सब मतलब 2 हार्मोन की बात है। आपको सिग्नल का क्या मतलब है, तो मैं कहूँगा एक्चुअली यहाँ पे केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल का नाम होता है बेटा जी CRH, फुल फॉर्म होती है बेटा जी कोर्टिको ट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब किसी का बेटा मैं ये कह रहा हूं बच्चा नहीं, ये हार्मोन है जो कि रिलीज होता है प्लेसेंटा से और फुली डेवलप फीटस से मदर के ब्लड में, और जब मदर का ब्लड बेटा जी घूम के पहुंचता है मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, तो वहां से वो हार्मोन निकालता है बेटा जो ऑक्सीटोसिन, और बेटा जी पॉस्चराइजेशन बेटा जी वहां पर शुरू हो जाता है। थोड़ा सा आप इस वर्ड को समझ सकते हो, बाय चांस आपसे कोई पूछ लिया पेपर में आ जाए तो क्या होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, आप कह सकते हो द फुली डेवलप फीटस एंड द प्लेसेंटा रिलीज सिग्नल टू स्टार्ट द रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मदर पिट्यूटरी ग्लैंड टू इंड्यूस पॉस्चराइजेशन, ताकि पॉस्चराइजेशन को वहां पर इंड्यूस किया जा सके। लास्ट क्लास में फिर हमने टॉपिक शुरू किया था बेटा जी अबाउट द बर्थ कंट्रोल के मेथड्स के बारे में, हमने आपसे बातें की थी अबाउट द नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, जहां मैंने आपसे बताया 3 तरीके हो सकते हैं कि हम वहां पे बेटा जी कोइटस को इंटरप्ट कर देते हैं, मतलब इससे पहले कि स्पर्म इजेक्ट होता इंसर्ट होता फीमेल की बॉडी में, हमने पहले इसको बेटा जी विड्रॉ कर लिया। आपने का पीरियडिक एब्सेंस 10 to 17 जो डे है बेटा जी फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल को सबसे रिस्की पीरियड है, उस पे चांस ऑफ द फर्टिलाइजेशन बेटा सबसे हाईएस्ट होता है, तो हम उन डेज में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स को ही बेटा जी अगर ब्लॉक कर दें या अनप्रोटेक्टेड सेक्स को बेटा जी रोक दें, तो एट दैट ड्यूरेशन में अगर ये सब हो जाए तो बेटा जी हम बोलेंगे चांस ऑफ द फर्टिलाइजेशन बेटा जी मिनिमम हो जाएगा। एंड आपने थर्ड वो बोला था बेटा जी लैक्टेशनल अमहोरिया, कि जब एक माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है और जब इंटेंस फीडिंग होती है, मतलब जब पीक लेवल होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का, उस टाइम पे GnRH इनहिबिट हो जाता है। तो याद रखना द पीक लेवल ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिट द GnRH,
जीएनआरएच को इनहिबिट करके बेटा जी यहाँ पे ब्लॉक करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, गैमेट के फॉर्मेशन को। तो जब गैमेट ही नहीं बनेगा तो चांस ऑफ द फर्टिलाइजेशन भी बेटा जी मिनिमम होगा। ये तीन मेथड जानिए। अब अगला क्या है, तो मैं यहाँ पे दो चीजें आपके साथ करूंगा इस लेक्चर में। एक तो बात मैं करूंगा आपसे एसटीडीज की, जहाँ पे मैं आपको पांच छह एग्जांपल आपको बताऊंगा। ये टॉपिक हमारा अगला होगा, बट उससे पहले मैं छोटा सा टॉपिक आपके साथ शुरू करूंगा बेटा जी यहाँ पे अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, जहां पे बेटा जी हम यूज करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये हमारे दो आज के टॉपिक हैं। पहला टॉपिक हम ये पढ़ेंगे, फिर हम वो टॉपिक पढ़ेंगे, और इसके साथ ही आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और आप सब रेडी हो टेस्ट के लिए बेटा जी। आई मेक श्योर आप ये वीडियोस देख लो, इससे बाहर नहीं जाने देंगे कुछ भी आपके लिए। ट्रस्ट मी, आपको थोड़ा सा टाइम आज ज्यादा देना पड़ेगा, एंड हर 21 डेज में होता है बेटा टेस्ट, तो मैं उसी को लेकर चल रहा था। ये मुझे बिल्कुल, मैंने टाइम टेबल पर ध्यान नहीं दिया कि इस बार ये होने वाला है, बट यस अब ये गलती आगे नहीं होगी क्योंकि मैंने डेट देख ली, अगला टेस्ट 24 को है, तो अगली बार ये नहीं होगा। बट सिलेबस बहुत ज्यादा है, आप समझ सकते हैं मेरी बात को। ओके चलेगा, अपने टॉपिक पे आते हैं। अपना काम हो गया, हमने जीत लिया इस प्रॉब्लम को, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा बेटा। अब वर्ड आता है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में, हम कौन कौन से उन मेथड्स की बात करें जहां पे डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज होता है, वो क्या क्या है उनकी बातें करते हैं। पहला मेथड आता है बेटा जी फिजिकल मेथड। फिजिकल डिवाइस का यूज करेंगे दैट प्रिवेंट द मेटिंग ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट, मतलब एक हम बैरियर का काम करेंगे। आप इसको एक बैरियर मेथड भी कह सकते हो, इट्स ए बैरियर मेथड। जहां पे बेटा जी ऐसी डिवाइस लगाएंगे जो मेल और फीमेल गैमेट के बीच में एक बैरियर का काम करेगा और जो उन दोनों को फ्यूज नहीं होने देगा, प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट बाय अप्लाइंग ए बैरियर बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट। हम दोनों के बीच में एक बैरियर को लगा देंगे। क्या है वो बैरियर? सबसे पहला देगा कॉन्डोम। एज यू ऑल नो कॉन्डोम इज यूज बाय मेल टू कवर इट्स पेनिस, वो अपने पेनिस को कवर करता है बेटा जी कॉन्डोम से। मेल के द्वारा यूज किया जाता है कॉन्डोम बेटा जी, मेनली मेड अप ऑफ लेटेक्स। मेनली किसका बना होता है? लेटेक्स का बना होता है। अब जरा सोचो, जब पेनिस को कवर कर लिया गया है बेटा जी यहाँ पे उस लेटेक्स से, तो मेल का जो स्पर्म है, जो गैमेट है, वो फीमेल की बॉडी में रिलीज नहीं होगा। जब वो रिलीज ही नहीं होगा तो मैं कहूंगा मेल और फीमेल की मीटिंग के बीच में हमने एक लेटेक्स की बेटा जी कवरिंग लगा दी जो उन दोनों को फ्यूज होने से रोकती है। दैट्स द पॉइंट। अगला पॉइंट बेटा जी, कॉन्डोम इज ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एसटीडीज। पॉइंट भी नॉट क्लियर, बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है बेटा जी। एसटीडी होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और मैं आपको बता दूं बेटा जी, आपसे पेपर में कहा जाए इन एडिशन टू द कॉन्ट्रासेप्शन व्हाट इज द अदर बेनिफिट और द यूज ऑफ द कॉन्डोम, तब कह सकती हो इट ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम द या प्रोटेक्ट फ्रॉम द एसटीडीज। क्योंकि मेल और फीमेल के जेनिटली और सेक्सुअल ऑर्गन बेटा जी टच में ही नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पे आपने कवरिंग यूज कर रखी है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे चांस ऑफ द एसटीडी भी क्या है बेटा जी मिनिमाइज है। तो मैं कहूंगा इसके दो फायदे, कॉन्ट्रासेप्शन से भी बेटा जी बचाते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचा रहा है, या फिर सेकंड थिंग बेटा जी यहाँ पे ये एसटीडी से भी बेटा जी प्रोटेक्ट करता है। तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द एसटीडी, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रासेप्शन, या मैं कहूंगा कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस भी है तो साथ में एसटीडी से प्रोटेक्ट करता है। ये था पहला पॉइंट। अब अगला वर्ड आता है बेटा जी सेम ऐसी फीमेल का कॉन्डोम भी होता है, उसका नाम होता है बेटा जी फेमिडोम। इट इज द फीमेल कॉन्डोम दैट इज यूज बाय द फीमेल। बट पॉइंट क्या है दोनों डिफरेंस करने का बेटा जी, ये सिंगल टाइम यूज का है, यूज एंड थ्रो है, बट ये आप री यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये भी एसटीडी से आपको बचाएगा। एक और भी तरीका होता है बेटा जी डायफ्राम, ये क्या होता है ऐसे बेटा जी डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है यूज टू कवर और फिट विद इन द फीमेल वेजाइना। ये एक ऐसा कवरिंग का स्ट्रक्चर इसकी, ये बेटा जी आपकी ऊपर की कवरिंग होती है, ठीक है,
ये फीमेल की वजाइना में इंसर्ट किया जाता है, और जब मेल अपने स्पर्म को इंसर्ट करेगा तो इसी के अंदर होल्ड रह जाएगा, फीमेल की बॉडी में जाएगा इनहिबिटर, जिसे भी हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। तो ऐसे डोम शेप का स्ट्रक्चर है दैट इज फिटेड विद इन द फीमेल वजाइना। ओके, ऐसे ही आता है बेटा जी सर्वाइकल कैप, एज द नेम इंडिकेट, जो कि सर्वाइकल कनाल तक फिट हो जाता है वो है बेटा जी सर्वाइकल कैप। ये बेटा जी इस तरह से इलोंगेटेड शेप का होता है दैट इज फिट विद इन द सर्विक्स ऑफ द फीमेल। तो फीमेल की सर्विक्स में क्या हो जाता है बेटा जी, फिट हो जाता है। ऐसे एक होता है वेलवेट कैप, जो इससे साइज में थोड़ा सा छोटा होता है। तो आप ये नाम समझ सकते हैं, ये सब के सब बेटा जी फिजिकल डिवाइस हैं जो यूज की जाती है बाय द मेल और बाय द फीमेल टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी। क्या क्या चीज है, या तो कॉन्डोम का यूज किया जाता है, ये मेल के द्वारा यूज होता है, फेमिडोम ये फीमेल कॉन्डोम है जो फीमेल के द्वारा यूज हो गया बेटा जी, एंड डायफ्राम एंड द सर्वाइकल कैप एंड द वेलवेट कैप, ये छोटे डिवाइस है जो फीमेल की वेजाइना में फिट होते हैं सो दैट कि स्पर्म की अंदर एंट्री ना हो सके बेटा। ये सब डिवाइसेस। अब ये तो थे बैरियर मेथड जो हमने पढ़ लिया फिजिकल मेथड के नाम से। अब एक और मेथड है बेटा जी, उसका नाम है बेटा जी केमिकल मेथड। एज द नेम यूज, आप यहां पर किसी स्पेसिफिक केमिकल का यूज करते हो, वो केमिकल क्या होगा, जैसे आप लोग एक नाम बोलते हो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, साइड वर्ड का मतलब है पॉइजन, एक ऐसा पॉइजन जो फंगस को मारे तो बन जाएगा फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड एक ऐसा पॉइजन जो इंसेक्ट को मारे वो बन जाएगा इंसेक्टिसाइड, वैसे मैंने बोला स्पर्मिसाइड, द स्पेसिफिक केमिकल यूज टू किल द स्पर्म, मेलियम एसिडिक कंडीशन क्रिएट कर देते फीमेल की वजाइना में और ज्यादा, जिसकी वजह से फीमेल का मेल का स्पर्म का स्ट्रक्चर बेटा जी खराब हो जाता है, वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता है, क्रोमोसोम उसका डिस्टर्ब हो जाता है। इससे हमें कहूँ डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं बेटा जी यहाँ पे टू डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर और टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का यूज करते हैं। केमिकल्स जो है बेटा जी ये मेनली एसिडिक इन द नेचर होते हैं, बट बहुत हाईली एसिडिक नहीं, स्लाइटली एसिडिक होते हैं, लाइक सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, ये सब यहाँ पे यूज होते हैं। ओके, थर्ड है बेटा जी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आईयूडी, फुल फॉर्म है बेटा जी इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। एज द नेम इंडिकेट, कहता नहीं गुड़िया, एज द नेम इंडिकेट दे आर फिटेड विद इन द यूट्रस। वर्षा गुड़िया, मनीषा, दे आर फिटेड विद इन द यूट्रस। तो प्रियांशु, इंडिया में अगर मोस्ट वाइडली अगर यूज कोई मेथड है फीमेल्स के द्वारा तो वो क्या है बेटा जी, आईयूडी। वाइडली यूज्ड मेथड बाय द इंडियन वुमेन्स इज द आईयूडी, यही सबसे ज्यादा यूज होता है बेटा जी। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। अब पॉइंट आएगा दिमाग में, सर यही वाइडली यूज क्यों मेथड, तो मैं कहूंगा बेटा जी बिकॉज ये एक बार फिट करवा लिया देन इट्स का जो लाइफ स्पेन है वो लॉन्ग है बेटा जी, 3 to 5 years तक बेटा जी काम करता है। मतलब एक बार आपने फिटेड करवा लिया फीमेल की बॉडी में तो 3 to 5 years तक ये आपके वहाँ काम करेगा। तो इट इज यूज टू ब्रिंग द गैप बिटवीन द चैक्स, ये वैसे एक मेथड यूज होता है। चलिए अब ये भी फर्दर दो टाइप का होता है। पहला होता है बेटा जी, आपने नाम सुना हो कभी, ऐसे बोलते हैं उसे कट, बट ये कट काटने वाला कट नहीं है। एक और आपने नाम सुना हो बेटा जी कॉपर्टी, बड़ा टीवी में आता है इसमें कॉपर्टी। तो ये सी यू जो है बेटा जी इंडिकेट करता है कॉपर को, टी इंडिकेट करता है बेटा जी उसके यहाँ पे सेप, इस तरीके से सेप होती है, ये बेटा जी टी सेप का होता है। इसके यहाँ पे बेटा जी कॉपर आयंस होती हैं जो लगातार बेटा जी एक डोज में कॉपर आयंस को रिलीज करता रहता है। अब यहाँ से बेटा जी कॉपर आयंस रिलीज होती रहती है फीमेल के यूट्रस में, ये फीमेल के यूट्रस में फिट किया जाता है वहाँ पे ये कॉपर आयंस को रिलीज करता रहता है। अब एक पॉइंट आएगा दिमाग में, रोनिक सर कॉपर आयंस का फायदा क्या रिलीज करने का, तो मैं कहूंगा यस कॉपर आयंस क्या करेंगे, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। अब सोचो फीमेल के यूट्रस में स्पर्म आया, उसका फैगोसाइटोसिस इंक्रीज हो गया, वो आते उसे किल किया जा रहा है, उसका फैगोसाइटोसिस किया जा रहा है, तो डेफिनेटली स्पर्म वहां किल ही हो जाएगा, फिर फर्टिलाइज क्या करेगा। सेकंड पॉइंट बेटा जी डिक्रीज
स्पर्म मोटिलिटी। आप कहते हो सर स्पर्म मोटाइल होता है, उसे ट्रेवल करके अप टू द फैलोपियन ट्यूब में एम्फलोस्पर्मिक जंक्शन तक पहुंचना है, बट आपने उसकी मोटिलिटी को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया बाय ब्लॉकिंग द फ्लैजेला मूवमेंट। फ्लैजेला को प्रॉपरली मूव नहीं करेगी, फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो इन दैट केस में क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे उसकी मोटिलिटी पावर अगर आपने डिक्रीज कर दी तो बेटा जी वो मोटाइल अगर कम होगा तो अपने टारगेट सेट पे नहीं पहुंच पाएगा, तो मैं कहूंगा बेटा जी उसका वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। ये सब काम करती है बेटा जी कॉपराइट्स। ओके, दूसरा यहाँ पे जो मेथड है तो कॉपर टी आई पेपर तो याद रखना बेटा। दूसरा है बेटा जी यहाँ पे हॉर्मोन रिलीजिंग आईयूडी, मतलब ये बेटा जी यहाँ पे स्पेसिफिक हार्मोन निकालती हैं, जो हार्मोन्स बेटा जी हमारी बॉडी में फीमेल की बॉडी बेटा जी हार्मोनल इंबैलेंस करती है। अब पॉइंट आता है सर ये कौन से हार्मोन निकालती है, तो मैं कहूंगा बेटा जी ये हार्मोन निकालती है प्रोजेस्टेरोन एंड। तो कोई पूछे आपसे सर ये आईओडी क्या करती है, तो मैं कहूंगा सिंपल सी बात है बेटा जी, दे कॉज हार्मोनल इंबैलेंस, कॉज हार्मोनल इंबैलेंस। अब अगर हार्मोन का बेटा जी इंबैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा, उसके क्या क्या बातें हो सकती है। पहले बेटा Either prevent ovulation, वो ovulation ही नहीं होने देगा, मतलब अगर हार्मोन का अप एंड डाउन हो जाएगा तो फीमेल की बॉडी से ovulation ही नहीं होगा। ovulation नहीं होगा तो मैं कहूंगा fallopian tube में आएगा ही नहीं बेटा जी यहाँ पे। ओके, मतलब ओम ही नहीं आएगा fallopian tube में, तो fertilization कैसे होगा। second बेटा जी prevent फर्टिलाइजेशन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। आप कहोगे सर ये कैसे, आप फीमेल प्रेक्टिस सिस्टम का डायग्राम समझ के देखो, आपने कहा था वहां पे सर सर्विक्स जो है ऐसे, जब आपने लास्ट पार्ट पढ़ा था तो आपने वहां पे एक ऐसा हिस्सा बनाया था उसका नाम था बेटा जी सर्वाइकल कनाल, याद है हिस्सा मैंने सर्विक्स के नीचे बनाया था बेटा जी। अब मैंने आपसे कहा था प्रोग्रेस्टेरोन हार्मोन के एक फंक्शन था बेटा जी ल्यूटियल फेज के एक नाम था सिक्रेटरी फेज सर, इट इंड्यूस द सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस फ्लूड फ्रॉम द एंडोमेट्रियम ग्लैंडर एपिथेलियल से बेटा जो म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ा देता है। तो सोचो जरा, अगर बेटा जी आपने यहाँ पे प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ा दिया तो जो एंडोमेट्रियम है उससे बहुत सारा अगर म्यूकस निकलेगा तो मैं कहूंगा सर्वाइकल कनाल में बेटा जी म्यूकस आके फिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर एक गाढ़ा गाढ़ा सा म्यूकस भरा हुआ होगा तो इट एक्ट एज ए सर्वाइकल प्लग, ये प्लग का काम करेगा और ये ब्लॉक करेगा एंट्री ऑफ द स्पर्म को बेटा जी, ये स्पर्म की एंट्री नहीं होने देगा। स्पर्म की अगर एंट्री नहीं होगी बेटा जी यहाँ पे आपका, तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। वर्ड को सुनना दोबारा से, आप वीडियो को रोक के यहाँ पे पीछे जाओ और उस टॉपिक को देखो जब मैंने आपको फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया, तो उस डायग्राम मैंने बेटा जी आपको यहाँ पे सर्वाइकल कनाल बनाया, ये तो डायग्राम की बात है। मैंने आपको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाई तो वहां मैंने प्रोग्रेस्टेरोन के एक फंक्शन बताया बेटा जी कि हम उस फेज लास्ट फेज को बोलते हैं सिक्रेटरी फेज, बिकॉज प्रोग्रेस्टेरोन ग्लैंडुलर एपिथेलियल से वॉटरी एक म्यूकस को रिलीज करवाता है, दैट्स व्हाई हम उस फेज को बोलते हैं सिक्रेटरी फेज बोला था। अब सोचो बहुत सारा अगर म्यूकस निकलेगा तो सर्वाइकल कनाल में अगर म्यूकस फिल हो जाएगा तो फिर स्पर्म की एंट्री कैसे होगी, ये म्यूकस को ये थिक होगा, थिक ही होगा तो यहां से एंटर नहीं कर पाएगा, एंट्री नहीं कर पाएगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। पॉइंट है बेटा जी, ओके, ये दो बातें। थर्ड है बेटा जी एंडोमेट्रियम को बेटा जी इंप्रॉपर कर देगा फॉर द इम्प्लांटेशन, तो मैं कहूंगा तीसरा काम कर सकता है बेटा जी प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, दैट्स इट। क्या बात है कि मैंने आपसे आज फिजिकल मेथड में
कुछ हम ऐसे डिवाइस का यूज करें जो कि मेल और स्पर्म की, मेल की और मेल स्पर्म की और फीमेल ओम की मेटिंग को नहीं होने देगा। आप वहाँ पे कॉन्डोम यूज कर सकते हो, फेमिडोम यूज कर सकते हो, डायफ्राम यूज कर सकते हो, सर्वाइकल कैप यूज कर सकते हो, वेलवेट कैप यूज कर सकते हो, ये सब कुछ ना कुछ ऐसे डिवाइस का यूज कर सकते हो। आइदर फीमेल की वजाइने में फिट की जाएगी या फिर वो मेल अपने पेनिस को कवर करेगा, कुछ भी ऐसे डिवाइस होगी। फिर आपने कहा सर ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं वो है आपका यहाँ पे आईओडी, यहाँ पे हमें एक ऐसी डिवाइस है जो यूज की जा रही है, फिट की जा रही है फीमेल के यूट्रस में। अब पॉइंट को याद रखना, ये डिवाइस या तो कॉपर आयन को रिलीज करेगी तो उसका नाम हो जाएगा कॉपर रिलीजिंग आईओडी। अब वो कौन है? कट, कॉपर टी। अब सर ये क्या कर रही है? कॉपर आयन को रिलीज करके ये स्पर्म का फैगोसाइटोसिस इंक्रीज करती है, ये स्पर्म की मोटिलिटी पावर को डिक्रीज करती है, तो चांस ऑफ द उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी डिक्रीज करती है, ऐसा बोल सकते हैं। थर्ड मैंने बोला बेटा जी यहाँ पे कि सेकंड बोला मैंने यहाँ पे कि हार्मोन रिलीजिंग भी आईओडी होती है और वो मेनली दो हार्मोन का इंबैलेंस कोज करती है, प्रोग्रेस्टेरोन का बेटा जी एस्ट्रोजन का, जिसकी वजह से तीन काम हो जाते हैं बेटा जी। ओके, अब मैंने आपको तीन मेथड बताए बेटा जी, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड एंड आईओडी। ये तीनों बेटा जी टेम्प्रेरी मेथड है, मतलब जब तक हम चाहे इनको यूज करें और तब हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो तब इनको यहाँ पे यूज करना बंद कर देंगे तो वापस से प्रेगनेंसी होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फुल हो जाएगी। तो मतलब ये टेम्प्रेरी मेथड, मतलब टेम्प्रेरी ड्यूरेशन के लिए प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तब इन मेथड्स का यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपसे बोला आईओडी जो है ये 3 to 5 ईयर के लिए अवॉइड करी जाती है प्रेगनेंसी, तो हम कहते हैं ये बार बार फिर आपको यूज करनी पड़ेगी, मतलब 3 से 5 साल के बाद आपको फिर दोबारा उसे इंसर्ट करवाना पड़ेगा, ये बात है। अब इनमें से एक बात याद रखना, सिर्फ कॉन्डोम का यूज ही एक ऐसा यूज था जो प्रिवेंट करता है बेटा जी एसटीडी को, बाकी कॉपर वगैरह टी यहाँ पे कहोगे यहाँ पे आईओडी वगैरह कभी भी एसटीडी को प्रिवेंट नहीं करता, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कॉन्डोम के बारे में कहा कि इट यूज टू प्रिवेंट द एसटीडी। ओके, अब एक वर्ड आता है सर कुछ परमानेंट मेथड भी है, मैं कहूँ यस, जो मेथड अब इरिवर्सिबल है, मतलब आपने उनको करवा लिया तो फिर भैया जी अब दोबारा हम उसमें प्रेगनेंसी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा चांस ऑफ द प्रेगनेंसी देखा मुश्किल हो जाएगा, ये क्या है मैं कहूंगी सर्जिकल मेथड है बेटा। ये दो मेथड है, ये हमारा चौथा टाइप। एक का नाम बेटा जी यहाँ पे वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी। एक का नाम बेटा जी यहाँ पे ट्यूबेक्टॉमी, फीमेल की फेलोपियन ट्यूब। टीवर्ड से याद रखो बेटा जी, फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को बेटा जी हमने कट किया और उसको हमने सील कर दिया, तो सोचो जरा फीमेल की जो आपने ये फेलोपियन ट्यूब पड़ी थी उसको अगर हमने कट कर दिया तो फिर फीमेल का ओम कैसे आएगा, स्पर्म की मेटिंग कैसे होगी, या फिर हम मेल की वास डिफरेंशिया, तो वास डिफरेंशिया का भी याद रखो वैसेक्टोमी, अगर हम वास डिफरेंशिया को कट कर दे बेटा जी तो फिर मेल का स्पर्म बॉडी के बाहर आ ही नहीं पाएगा बेटा जी। तो हम कहेंगे ये क्या है बेटा जी, सर्जिकल मेथड है, ट्यूबेक्टोमी इज कैरिड आउट इन द फीमेल एंड इसमें हम क्या करते हैं बेटा जी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को कट करके सील कर देते हैं सो दैट स्पर्म कभी बाहर ना आ सके। सेकंड चीज बेटा सॉरी स्पर्म और ओम की कभी मीटिंग ना हो सके और ओम और स्पर्म के बीच का हमने क्या कर दिया गैप क्रिएट कर दिया। फिर आपने कहा सर वैसेक्टोमी, वास डिफरेंशिया, मतलब आपने वास डिफरेंशिया को कट कर दिया तो फिर टेस्टिस से स्पर्म बॉडी के बाहर कैसे आएगा, और जब स्पर्म ही नहीं आएगा तो मैं कहूंगा फीमेल की बॉडी में एंटर क्या करेगा, स्पर्म जब एंट्री नहीं करेगा यहाँ पे तो चांस ऑफ द फर्टिलाइजेशन क्या होगा बेटा जी वहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा, नहीं होगा वहाँ पे, बिल्कुल नहीं होगा चांस वहाँ पे। अब कहोगे सर ये कैसे, मैं कहूँगी सर्जिकल मेथड, ये सर्जरी की करवाई जाती है फिर इस काम को कैरिड आउट करवाया जाता है। ओके, ये हो गया बेटा जी हमारे कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड, तो अभी खत्म कर दिया। अब आता है बेटा जी अबाउट द एसटीडी, एसटीडी फुल फॉर्म क्या है बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन्हीं का एक नाम और होता है बेटा जी RTI, मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। कि जब एसटीडी होता है तो उनमें से कई एसटीडी ऐसे हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो होते हैं बट साथ में उनमें जो अफेक्टिव साइट है वो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और वहां पे बेटा जी इन्फेक्शन भी हो जाता है। बट याद रखना ऐसा हर केस में नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि जो भी यहाँ पे एसटीडी है वो RTI हो ही हो, ऐसा नहीं है। बट यस हम एसटीडी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, RTI बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ये मैंने कुछ डिजीज के नाम लिखे जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला कॉमन डिजीज बेटा जी साइफिलिस, इसको कोज करने वाले एजेंट का नाम बेटा जी यहाँ पे ट्रिपोनिमा प्लेविडम। अब कहोगे सर इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स पे बेटा जी क्वेश्चन आता है जो आपको समझना है। इसके सिम्टम्स है बेटा जी पेनलेस अल्सर, घाव हो जाते हैं
बट वो पेनलेस है, पेन नहीं होगा, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड बिट का स्वेलिंग ऑफ लिम्फेटिक नोड, जो लिम्फेटिक नोड उनकी हल्की से क्या हो जाती है बेटा, स्वेलिंग सी आ जाती है बेटा यहां पे, और पेनलेस अल्सर इसका सबसे बड़ा बेटा एक सिम्टम है। रेसेस होने लगते हैं वहां पे धीरे धीरे, वहां पे हेयर जो प्यूबिक हेयर वो सब वहां से हट जाएंगे बेटा जी यहाँ पे, तो मैं कहूंगा रेसेस आएंगे, इचिंग कोज करेगा बेटा जी यहाँ पे, एंड लॉस ऑफ द हेयर होगा बेटा जी यहाँ पे, ये सब बेटा जिसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। याद रखते हैं सिम्टम्स क्या क्या बोला मैंने यहाँ पे, पेनलेस अल्सर, स्वेलिंग लिम्फेटिक नोड, रेसेस, लॉस ऑफ हेयर, इचिंग, खुजली चलेगी यहाँ पे, ये सब बातें। अगला आता है बेटा जी यहाँ पे गोनोरिया, इसके कोजिटी रेजिन का नाम क्या है बेटा यहाँ पे, निस्नेरिया गोनोरी। एक तो पहली बात याद रखना ये दोनों के दोनों बेटा डिजीज कैसे है बेटा जी यहाँ पे, बैक्टीरियल डिजीज है, इनका कोजिटी रेजिन क्या है बेटा जी यहाँ पे, बैक्टीरिया। अब पॉइंट आता है सर इसके केस में क्या होता है, तो मैं कहूँगा इसके केस में जो हमारे जेनेटल ऑर्गन है बेटा जी उनसे एक पस कंटेनिंग डिस्चार्ज, एक वाइटिस सा डिस्चार्ज निकलता है, जो पस को कंटेन करता है ऐसा डिस्चार्ज निकलना शुरू होता है, तो मैं कहूंगा पस कंटेनिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द जेनिटल, मतलब मेल के पेनिस से फीमेल की वजाइना से एक वाइट सा पस कंटेनिंग बेटा डिस्चार्ज निकलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा बड़ी उसमें एक फॉल्स स्मेल आती है, तो इचिंग वगैरह हो गया, रेसिस कोस करेगा ये भी वहां पे, बट ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी यहाँ पे कि यहाँ पे डिस्चार्ज जो होता है कैसा होता है, पस कंटेनिंग होता है। अब याद रखने दोनों बेटा कैसे डिजीज है यहाँ पे, बैक्टीरियल डिजीज है, आपको दोनों के कोजिटिव एजेंट के नाम याद रखने हैं यहाँ पे, और दोनों के सिम्टम्स को थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना। अब पॉइंट आपके अगले डिजीज के बारे में, ये जो मैंने यहाँ पे चार नाम लिखे हैं बेटा जी, चारों के चारों बेटा जी यहाँ पे आपके वायरल डिजीज है, डू टू द वायरस होते हैं, दो तो बड़े कॉमन है आप जानते हैं यहाँ पे, पहला नाम है बेटा जी एड्स दैट ओकर डू टू द एचआईवी, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। याद रखना ये क्या करता है बेटा जी यहाँ पे, इम्यून सिस्टम को वीक करता है बाय डिक्रीजिंग द टी हेल्पर सेल नंबर, इनका जो नंबर है बेटा जी वो क्या हो जाता है वहां पे रिड्यूस हो जाता है, किनका है टी हेल्पर सेल पर इम्यूनिटी पावर जो वो क्या हो जाती है हाईली वीक हो जाती है, याद रखना। अगला है बेटा जी हेपेटाइटिस बी, ये वायरस के नाम पे इसका नाम रखा गया है बेटा जी हेपेटाइटिस बी वायरस, इस वायरस के द्वारा ये होता है, नाम क्या है हेपेटाइटिस बी वायरस है। आपको सर इसमें अफेक्ट क्या आता है, इसमें प्रॉब्लम कहां पे आती है, तो मैं कहूंगा बेटा जी ये मेनली हमारा डैमेज करता है लीवर और हमारे डाइजेशन की प्रॉब्लम को इंड्यूस करता है, तो मैं कहूंगा बेटा जी इट मेनली अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द लीवर, ये मेनली कहां पे अटैक करता है हमारे लीवर का डिजीज है बेटा जी हेपेटाइटिस बी, जो वायरस का नाम लिखे हेपेटाइटिस बी ही वायरस। अगले वर्ड में आते हैं बेटा जी जेनाइटल हब्स, क्या नाम बोला बेटा जी यहाँ पे जेनाइटल हर्ब्स, ये एक वायरस के नाम पे नाम है, नाम क्या वायरस के बेटा जी यहाँ पे हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस, हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस। अब यहाँ पे सिम्टम को सुनना समझना बेटा जी, यहाँ पे भी अल्सर होते हैं बट यहाँ पे जो अल्सर होते हैं वो होते हैं बेटा जी पेनफुल अल्सर, मैंने बोला साइफिल के केस में जो अल्सर होता है वो पेनलेस होता है बट यहां पे जो अल्सर होता है कैसा होता है पेनफुल होता है, तो याद रखना पेनफुल अल्सर इज द सिम्टम ऑफ विच डिजीज, तो नाम होगा जेनाइटल हर्ब्स का डिजीज का सिम्टम से बेटा। ओके अगला है बेटा जी जेनाइटल वार्ट्स, वायरस का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV। अब इस नाम को समझ के देखो कि जो जेनाइटल ऑर्गन्स है जैसे मेल का पेनिस है फीमेल की वजह से वहां पे एक हार्ड आउटग्रोथ हो जाती है, जेनाइटल सेल हार्ड हॉर्नी आउटग्रोथ, मतलब उनके पेनिस के वजह से कुछ ऐसे
रफ्स के सरफेस पे कुछ ऐसी कुछ हार्ड ऑब्जेक्ट होता है ना, सींग उगना हो जाता है, ऐसे नॉट सींग उग जाएगा बट वैसे कुछ टफ प्रोटेक्टिव सा बिटा या टफ मैं कहूँगा कुछ आउटग्रोथ सी होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा जो मतलब आउटग्रोथ है कि यहाँ पे होर्निसेस जैसे कैटराइंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा जमा हो गया और एक ऐसी टफ आउटग्रोथ जो आती है हम कहते हैं कि हमारे जनरल ऑर्गन्स पे वार्ट्स डेवलप हो गए, उस डिजीज को भी क्या बोलते हैं फिर जेनेटल वार्ट्स मेटाली डिजीज। पॉजिटिव एजेंट का नाम क्या, वायरस है जिसका नाम क्या इंटर यहाँ पे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने, वैसे मेनली आपको दो नाम याद रखने हैं यहाँ पे गिनोरिया और साइफिलिस, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज मैंने लिखवा दिए हैं आपको यहाँ पे ताकि आपको बातें ध्यान दें। आप अपनी एनसीईआरटी बुक को प्लीज़ 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 एक बार अच्छे से रीड आउट करना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बेटा जी एनसीईआरटी बुक में इससे बाहर बचा हो, फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग। अब आप इन चारों वीडियो को देख लोगे तो आपका पूरा टॉपिक मैंने कवर अप कर दिया। आई नो एक ही दिन में चार वीडियो देखना थोड़ा पॉसिबल कम है बट आप आज देख सकते हो इसे, कल मॉर्निंग में देख सकते हो और अपना टॉपिक खत्म कर सकते हो, बट पूरा अच्छे से कवर करना एंड इनमें से जो क्वेश्चन होंगे आपके इन्हीं वीडियोज में कवर हो जाएंगे सारे। थोड़ा सा मैंने आपको बता चुका हूँ कि 21 दिन के चक्कर में रहेगा बेटा जी मैं यहाँ पे, जो कि आपको मेरे पता नहीं क्यों इन्होंने टाइम जल्दी कर दिया, आई डोंट नो। एंड आप में से भी कल मुझे इन्फॉर्म किया, आप में से ही कत्यानी केशिका गुड़िया ने मुझे इन्फॉर्म किया कि सर ये टेस्ट है हमारा कल और टॉपिक बचा, तो मैंने आज ये सब कुछ काम जल्दबाजी में किया, वरना आप लोग अगर पहले ही मुझे बता देते कि सर ऐसा है तो मैं इस चीज़ को और थोड़ा फास्ट पहले ही कर लेता, पर बस मैं आराम से चल रहा था, मैंने कहा पूरा वीक है अपने पास में पर चलेगा कोई नहीं बेटा जी। इसके साथ ही आपका पूरा टॉपिक पूरा सिलेबस ख़त्म होता है, कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे मैसेज ड्रॉप करो और बातें करते हैं आपसे फिर आपके डाउट। ओके थैंक यू बेटा।